हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीआर बीसीईसी बीएससी नर्सिंग। बीआर बीसीईसी बीएससी नर्सिंग के सत्र 2022-23 के लिए फॉर्म कब निकलेंगे, क्योंकि बीआर में 12th का इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है और बीआर में इंटर का रिजल्ट भी आ चुका है। मेरे सभी बीआर में साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने अभी इंटर कंप्लीट किया है, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि बीआर बीसीईसी का फॉर्म कब निकलेगा। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, बीआर बीसीईसी के फॉर्म के बारे में सबसे बड़ा अपडेट आपको बताना चाहूंगा। ये आपकी वेबसाइट है बीआर बीसीईसी की, और इस वेबसाइट को ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। ये है बीआर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीसीईसी, बीआर कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इस वेबसाइट को ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्तों, देखिएगा। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 2022। इसका मतलब मेरे दोस्तों, 2022-23 के बीसीईसी के फॉर्म अब जारी होने ही वाले हैं। 2021-22 का प्रोस्पेक्ट हटा दिया गया है। इसका मतलब वेबसाइट को अब अपडेट कर दिया गया है। आपको पता होगा अभी हमारे बिहार में बीसीईसी ने 10th के जो स्टूडेंट है उनके लिए आईटीआई के फॉर्म रिलीज किए हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि अब आपके फॉर्म कब आने वाले हैं। अब हमारे बिहार में बीसीईसी के प्रवेश फॉर्म बीएससी नर्सिंग के लिए और साथ में किसके लिए मेरे दोस्तों, फार्मेसी के लिए, इन दोनों के फॉर्म एक साथ ही निकलेंगे। बीसीईसी बीएससी नर्सिंग, बीसीईसी फार्मेसी, बीसीईसी पैरामेडिकल, इन तीनों के फॉर्म साथ में निकलने वाले हैं। तो ये फॉर्म आएंगे कब, इसको लेकर के मैं आपको एक क्लियर डेट बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। ये आपके जो फॉर्म है ये मई में, ये आपके फॉर्म, जहां तक मेरा मेरे दोस्तों अनुमान है, वो ये कह रहा है कि मई में लगभग 15 मई तक, कब तक मेरे दोस्तों, 15 मई तक आपके फॉर्म जारी हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब मेरे लाडलो यह है कि इस एक महीने के अंदर अंदर आपके फॉर्म जारी हो जाएंगे 15 मई तक। यानी 15 मई तक का मतलब यह है कि 15 मई से पहले पहले जारी होंगे। संभव है कि 10 मई को भी जारी हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको फॉरम को लेकर एक परसेंटेज चिंतित नहीं होना है। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है विजय एजुकेशन। ये मेरे बीआर के सभी भाई बहनों का चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज। और इस चैनल पर मेरे दोस्तों, इस विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें बीआर के सभी विद्यार्थियों को ₹5,000 का ऑनलाइन कोर्स, ₹5,000 का ऑनलाइन कोर्स केवल और केवल ₹899 में मिल रहा है। आप ₹899 में बीआर बीसीईसी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। और इस बीएससी नर्सिंग के कोर्स के साथ आपको एम्स का कोर्स फ्री में दे रहे हैं, आरयूएचएस का कोर्स फ्री में दे रहे हैं, तो यूपी बीएससी नर्सिंग का कोर्स फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि यूपी एमपी राजस्थान झारखंड हिमाचल इन सभी, छत्तीसगढ़ के अंदर सभी में बीएससी नर्सिंग का एक ही सिलेबस होता है। तो अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है और अगर आप बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन चाहते हैं गवर्नमेंट सीट पर, तो आप अभी तुरंत विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करके उसके ऊपर बीएससी नर्सिंग का 899 का कोर्स है, उस कोर्स को आप खरीदिएगा। अगर आपके फ़ोन में पे फोन, पेटीएम, गूगल पे हैं, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही पेमेंट कर सकते हैं। और आपके फ़ोन में ये सुविधा नहीं है तो आप मेरे दोस्तों, ये मेरे खुद के नंबर हैं, आप इस नंबर पर पे फोन करवा सकते हैं, इस नंबर पर आप गूगल पे करवा सकते हैं। आप जैसे ही गूगल पे इस नंबर पर करवाएंगे, फिर आप मुझे कॉल करना, मैं यहाँ से आपका कोर्स चालू कर दूंगा। इसके अलावा
आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर पूछनी हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरे नंबर हैं 8302199394। लेकिन इस नंबर पे केवल और केवल मेरे यूपी बिहार के बच्चे ही कॉल करें। अदर स्टेट के बच्चों के लिए दूसरा नंबर है, आपको शायद मालूम होगा, 9828721229। ये दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए फोन नंबर है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अब मेरे बहुत से बिहार के भाई बहन है, वो कहते हैं सर बीसीईसी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है। बीसीईसी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म वो भर सकता है जिसके 12th के अंदर कम से कम कितने प्रतिशत हैं, 45, तो 12th में आपके 45% होने चाहिए। इसके अलावा आपके 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के बायोलॉजी एडिशनल में है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ आपकी उम्र 17 वर्ष कब होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2022 तक आप 17 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको फॉर्म भरने के लिए अभी सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखना है। इसके अलावा आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना है, ठीक है। आपको अपने रंगीन फोटो निकलवा कर तैयार रखने हैं। आपको अपना आधार कार्ड तैयार रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका इंटर का रिजल्ट, आपका जो इंटर का अभी रिजल्ट आया है उस इंटरनेट की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी आपको तैयार रखनी है, ठीक है ना। यानी आपके पास रोल नंबर होने चाहिए इंटर के। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर मेरे प्यारे लाडलो, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ये कागज चाहिएंगे, ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे बीसीईसी के फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब सर इसमें पढ़ाई क्या होती है, ठीक है ना। फॉर्म तो मई 15 तक आ जाएगा, लेकिन सर इसमें पढ़ना क्या होगा और एग्जाम कब होगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एग्जाम कब होगा। पहले बता देता हूं, एग्जाम आपका अगस्त में होगा। अगर अप्रैल में फॉर्म निकलता तब तो जुलाई में एग्जाम लगता, लेकिन अब फॉर्म मई में निकलेगा, इसलिए अगस्त में, और वो भी अगस्त में लास्ट तक एग्जाम होगा। यानी मान के चलो आपका जो एग्जाम है करीब करीब मेरे दोस्तों 25 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम और आगे 10-15 दिन डिले हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन हम अगस्त मान रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने आज भी आपके पास में पढ़ने के लिए है। 4 महीने के भी 10 दिन ऊपर हैं मेरे दोस्तों। जब इतना समय आपके पास में है तो आपको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस के बाद सबसे बड़ा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और हमारा बिहार अलग से एग्जाम लगता है, लेता है। बीएससी नर्सिंग में बिहार से एडमिशन के लिए नीट परीक्षा देनी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये बात क्लियर कर दूं, नीट की अनिवार्यता नहीं है, अलग से एग्जाम लगता है। अब आपको यहाँ पढ़ना क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 100 आएंगे, बायोलॉजी के 100 आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, इसलिए मेरे दोस्तों 400 नंबर की केमिस्ट्री, 400 की फिजिक्स और 400 की बायोलॉजी रहेगी। टोटल आपका 1200 अंक का क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा मेरे दोस्तों। तो आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, ये एग्जाम अपना ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, एबे सदे प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ए बी सी डी में से आपको क्लिक करना होता है कोई एक ऑप्शन। और जो आपका पेपर लगता है ये हिंदी मीडियम में भी लगता है और इंग्लिश मीडियम में भी लगता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। और पेपर बहुत नॉर्मल आता है मेरे दोस्तों। तो मेरे हर एक गांव देहात का बच्चा इस बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहिए। और आपका जब भी फॉर्म निकलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्तों, और तब तक के लिए आप
विजय एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और उससे बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़िएगा। मुझे पता है बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10,000 रुपए तक फीस लेती है, लेकिन मैंने मेरे बिहार के भाई बहनों के लिए केवल 899 रुपए में पूरा कोर्स, कोर्स के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज। और मेरे दोस्तों एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, मैं आज बीएससी नर्सिंग का नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसमें जीरो से पढ़ाया जाएगा, तो आप आज या कल में तुरंत जुड़ जाएं ताकि आपका सिलेबस पीछे छूटे नहीं, ठीक है। आज मैं नया कोर्स शुरू कर रहा हूं मेरे बिहार के भाई बहनों के लिए, तो आज से ही आपको विजय एजुकेशन पर जुड़ना है, ओके। अब सुनिएगा, अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं क्या सर हम बिहार के साथ दूसरे राज्य का फॉर्म लगा सकते हैं? हाँ, आप बिहार बीसीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ में राजस्थान का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, साथ में एम्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, यूपी एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ कोई भी फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या ये सर सारे एग्जाम एक साथ लगेंगे क्या? नहीं, अगर राजस्थान में एग्जाम लगेगा, मान लो राजस्थान में सितंबर में एग्जाम लगता है, तो राजस्थान के एग्जाम की डेट और बिहार के एग्जाम की डेट एक ही नहीं होगी, बीच में 7-8 दिनों का गैप रहेगा, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। क्या सर मैं दूसरे राज्य से अगर बीएससी नर्सिंग करूंगा तो क्या वो बिहार में डिग्री वैलिड होगी? बहुत से बच्चे कहते हैं सर अगर मैं राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करूंगा तो क्या मैं बिहार में नौकरी कर सकता हूं? हां भैया, बीएससी नर्सिंग का कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है, इस कोर्स को भारत सरकार करवाती है, इस बीएससी नर्सिंग की डिग्री पूरे भारत के अंदर वैलिड है, आप भारत के किसी भी कोने से कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य का फॉर्म लगा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिहार का फॉर्म लगा सकते हैं, बिहार के हो, आप राजस्थान का भी फॉर्म लगा सकते हो, आप यूपी का भी फॉर्म लगा सकते हो, और इसकी डिग्री से आप कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्तों जिसने बीएससी नर्सिंग कर ली उसकी जॉब, उसका रोजगार पक्का है, आने वाले 30 से लेकर 50 सालों तक बीएससी नर्सिंग से बेहतरीन कोई कोर्स नहीं है मेरे दोस्तों, तो आप जरूर इसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 4 महीने तैयारी करेंगे तो मेरे दोस्तों बहुत ही मामूली फीस में, नाम मात्र की फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, और जैसे ही आपका फॉर्म निकलेगा मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरे दोस्तों, मैं उस टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डाल रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, विजय एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं सारी न्यूज डालता रहता हूं, ठीक है ना, फोरम की लिंक वगैरह डालता रहता हूं, साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन जो विजय एजुकेशन के नाम से है, विजय एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर कर लो, आपको अगर कोर्स लेना है तो लीजिएगा, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तो भी विजय एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन, फोरम की जानकारी मैं देता रहता हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।